हाय गाइस, मेरे चैनल स्प्रिंकलिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं मुस्कान आज बेसन के लड्डू की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज आप सभी को कम घी में कैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं वो रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कढ़ाई में घी गरम कर लें, उसमें 2 कटोरी बेसन डाल लें और बेसन को अच्छे से धीमी आंच में, बिल्कुल स्लो आंच में सेंकें। हमने अभी कम घी यूज़ किया है क्योंकि हम बीच बीच में घी को ऐड करते जाएंगे। याद रखिए, बेसन को बिल्कुल धीमी आंच में सेंकना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। बेसन में जो लम्स हैं उनको अच्छी तरीके से धीरे धीरे फोड़ें, बीच में थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर लें। अगर आपको स्पैचुला से दिक्कत हो रही है तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। आराम से धीरे धीरे सेंकते जाएं और लम्स को फोड़ते जाएं। याद रखिए, लम्स सारे फूट जाने चाहिए। बेसन का धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, आप बीच बीच में घी को ऐड करते जाएं और सारे लम्स को फोड़ते जाएं। इलायची को अच्छी तरीके से फोल्ड लें या पीस लें और ऐड कर दें। लड्डू अगर आपको रवीले और दरदरे बनाने हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करिए। देखिए ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही करें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। इससे आपके लड्डू एकदम मार्केट की तरह रवीले और दरदरे बनेंगे। 1 कटोरी शक्कर का बूरा लें। अगर आपके पास भूरा नहीं है तो आप 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। भूरा ऐड करने से पहले बादाम को अच्छे से बारीक काट कर डाल दें। भूरे को थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद पूरा जो भूरा है वो सारा डाल दें और अच्छे तरीके से स्पून की सहायता से लम्स को फोड़ लें। आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए पहले हाथ में घी लगाएं, मिक्सचर को हाथ में लें और गोल गोल घुमाएं। इस तरीके से आप बाकी के लड्डू बना लें। ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम या फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं उससे डेकोरेट कर दें। तैयार हैं हमारे बाजार जैसे रवीले और कम घी में बनने वाले बेसन के लड्डू। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।